सब्जेक्ट के रूप में उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि जहां पर व्हाट वेयर एंड व्हाई टाइप्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वहां पर वो सब्जेक्ट है वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन जाता है, एक वो वैज्ञानिक विषय के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। ज्योग्राफी जो है वो एक समाकलन विषय के रूप में, इंटीग्रेटेड मीन्स होता है कि ज्योग्राफी में कई सब्जेक्टों को इंटीग्रेटेड करके, एक दूसरे से अंतर संबंधित करके, एक दूसरों को जोड़ करके उसका अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी अडोप्ट द होलिस्टिक अप्रोच अप्रोच इन इट्स स्टडी ऑफ रिकॉग्नाइजेस द इंट्रेड पेडिनेंस इन द एग्जिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भूगोल का अध्ययन एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से किया जाता है और विश्व में पाई जाने वाली परस्पर निर्भरता को ये मान्यता देता है कि सभी सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्विक एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव कन्वर्ट द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इनटू द ग्लोबल विलेज। जैसे कि हमारे पास जो क्विक एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, थ्रू और कुशल हमारे पास परिवहन के जो साधन हैं, इससे हमारी जो दूरियां हैं वो कम हो गई हैं और प्रेजेंट डे के अंदर पूरा विश्व है वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में बन गया है। अर्थात हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम से आज हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि हम अपने एक गांव के रूप में कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं, ऐसे ही आज विश्व के अंदर किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जानकारी हमें उपलब्ध होती है। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारे लिए आज एक ग्लोबल विलेज के रूप में बना हुआ है। डाटाबेस हैज बीन इनरिच्ड द ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो ऑडियो विजुअल जो मीडिया है और जो सूचना तकनीकी है उससे जो आंकड़े होते हैं उनको हम बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। बींग द इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद सेवरल नेचुरल एंड द सोशल साइंस। ज्योग्राफी जो है वो एक समाकलन विषय के रूप में होने के कारण से प्राकृतिक और सामाजिक भूगोल जो विषय होते हैं उनसे इनका अंतर संबंध होता है। ज्योग्राफी इज लिंक विद द सेवरल नेचुरल एंड सोशल साइंस। सभी जो नेचुरल साइंस होते हैं और सोशल साइंस होते हैं उनका ज्योग्राफी से इंटरलिंकिंग होता है। द प्राइमरी एम ऑफ द नेचुरल एंड सोशल साइंस इज द अंडरस्टैंड द रिलेटली कि ये भूगोल जो है वो इनको अच्छे से समझता है और इनकी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराता है। द प्राइमरी एम ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस इज टू अंडरस्टैंड द रिलेटली। ज्योग्राफी इज इक्विप्ड ऑफ द कंपेहेंट्स एंड एसोसिएशंस ऑफ फिनोमिना इज रिलेटेड इन द सेक्शंस ऑफ रियलिटी। द रिलेशंस ऑफ ज्योग्राफी विद सेवरल नेचुरल सोशल एंड बायोलॉजिकल साइंस। जो हम इस फिगर के अंदर देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है वो सभी सब्जेक्टों को इंटरलिंकिंग करके, उनको इंटीग्रेटिंग करके एक समाकलन विषय के रूप में उनकी स्टडी करता है और उनकी जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। इस टेबल में जैसे दिखाया गया है ज्योग्राफी ज्योग्राफी का जितने भी हमारे फिजिकल साइंस हैं और सोशल साइंस हैं उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो है वो हम लेते हैं मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिकल्स के जो डेटा वगैरह हैं इनको हम जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी वगैरह की इंफॉर्मेशन जो लेते हैं और उससे जो हमारे डेटा होते हैं इनको हम एनालाइज करते हैं। जितने भी हमारे स्टेटिकल्स डेटा होते हैं इनको बेटर रिजल्ट निकालने के लिए, इनका एवरेज निकालने के लिए मैथ्स के फॉर्मूले जो हैं वो हम यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो हमारे स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस वगैरह होती है इनकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लेते हैं। जियोलॉजी जियोलॉजी जो हम जो है वो हमें
अर्थ के इंटरनल पार्ट्स वगैरह की जो जानकारी है वो हम इससे जानकारी लेते हैं। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी जो हम मौसम विज्ञान संबंधी जो जानकारी लेते हैं तो ये हमारे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आते हैं। इसको हम ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं। इसी टाइप से हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी जो वाटर से रिलेटेड है तो इसको हम ओशनोग्राफी के रूप में ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। इसी टाइप से पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी जो साइंस है, इसको सॉइल ज्योग्राफी के रूप में पढ़ते हैं। सॉइल की टाइप्स वगैरह जो होती हैं वो हम सॉइल ज्योग्राफी के अंदर इसके अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसी टाइप से बॉटनी, बॉटनी जो है वो हमें डिफरेंट टाइप्स की जो नॉलेज प्रोवाइड करती है तो उसको हम ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड करते हैं। जियोलॉजी भी इसी प्रकार से जू ज्योग्राफी वगैरह के अंदर आती है। इसके बाद इकोलॉजी जो है, इस इकोलॉजी के अंदर जो हम पारिस्थिति की तंत्र वगैरह होता है तो उससे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसी प्रकार से एनवायरमेंटल साइंस जो होता है तो इसमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। मीन्स सभी सब्जेक्ट को इंटरलिंकिंग करके, इंटीग्रेटेड करके ज्योग्राफी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये तो थे आपके फिजिकल साइंस रिलेटेड टू द फिजिकल ज्योग्राफी से। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट जो है वो हम पढ़ते हैं। दूसरे इसके अंदर देखिए सोशल साइंस रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी। सोशल साइंस का ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या रिलेशन होता है तो इसमें सबसे पहले हम सोशल साइंस में लेते हैं स्टैटिकल इकोनॉमिक, इकोनोमेट्रिक्स। इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं इनको हम जो डेटा होते हैं इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए और इनको यूटिलाइज करने के लिए, इनको यूजेबल बनाने के लिए जो इकोनॉमिक्स के मेथड्स होते हैं, स्टैटिक के मेथड होते हैं, इनको हम यूज किया जाता है। दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स आता है इसमें हमारी जो जीडीपी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इकोनॉमिक्स से मिलती है जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में हम पढ़ते हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जो होती है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कंपोजिशन और अदर्स जो इसके हिस्टोरिकल्स ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन डेमोग्राफी ज्योग्राफी से ले जाती है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, स्टेट यूनियन टेरिटरी वगैरह होती है, इनकी इंफॉर्मेशन हम पॉलिटिकल साइंस से लेते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के अंदर जो कंट्री था या कोई भी नेशन था उसकी क्या कंडीशंस थी, किस प्रकार के वहां के जो ज्योग्राफिकल एरिया था, किस टाइप का उसका पॉलिटिकल एरिया था, किस टाइप्स की वहां की ह्यूमन सोसाइटी थी, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हिस्ट्री से हमें प्रोवाइड होती है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो है वो ह्यूमन बींग के सोशल बिहेव की इंफॉर्मेशन देती है कि किस रीजन्स के लोगों का बिहेव बेटर था, किसका जो है वो उग्र व्यवहार के थे, कुछ क्षेत्र के लोग शांति प्रिय थे, कहाँ एजुकेटेड थे, कहाँ नहीं थे, सोशल रिलेशन कैसे थे, इनकी इंफॉर्मेशन सोशियोलॉजी से ली जाती है जिसको हम सोशल ज्योग्राफी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद फिलोसफी, फिलोसफी जो है वो भी इसी प्रकार से आती है जिसके अंदर हम जो ज्योग्राफिकल थॉट्स वगैरह होते हैं इन थॉट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ के लोगों की किस प्रकार की फिलोसफी होती थी। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो कल्चरल ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन देती है कि वहां के ह्यूमन बींग की कल्चरल एक्टिविटी क्या थी, वहां के रिलीजियस, वहां की कास्ट, वहां के कम्युनिटी में इंटररिलेशंस, यूनिटी आदि, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम एंथ्रोपोलॉजी के रूप में लेते हैं। तो ये हमारे कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर इनकी स्टडी की जाती है। मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी का इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन है, यानी कि भौतिक और सामाजिक विषयों का यह एक समग्र विषय है जिसके अंदर सभी सब्जेक्टों का अध्ययन किसी न किसी लेवल पर जरूर किया जाता है। कहीं पर एनवायरमेंट की स्टडी की जाती है, कहीं पर इकोलॉजी की स्टडी की जाती है, कहीं पर पॉपुलेशंस की जाती है, तो कहीं पर वहां के अर्थ सरफेस और इंटरनल पार्ट्स और एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाती है। मीन्स सभी सब्जेक्टों को एक विषय के रूप में स्टडी करने के लिए हम ज्योग्राफी को अध्ययन कर सकते हैं, ज्योग्राफी की स्टडी कर सकते हैं। इसलिए इसको हम सोशल सब्जेक्ट और एक जो है
साइंस सब्जेक्ट के रूप में, दोनों के रूप में ही इसकी स्टडी करते हैं।